श्री सीताराम दोस्तों, तो आज मैंने बनाया है पिज़्ज़ा। और ये कुछ ऐसा वैसा पिज़्ज़ा नहीं है, बहुत ही डिफरेंट टाइप का पिज़्ज़ा है। अगर आपको कभी कुछ डिफरेंट बनाना हो तो आप ये बना सकते हो। और इसका नाम मैंने दिया है ब्रेड पिज़्ज़ा बॉल। और ये खाने में बहुत मस्त लगता है और बहुत टेस्टी लगता है और बहुत इजी बन जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो कि मैंने क्या क्या लिए हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे रस क्यों रखा है, ये आपको बाद में पता चला है चलेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने असेंबल करना स्टार्ट किया है। और इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ भी डाला है, ताकि मतलब क्योंकि पिज़्ज़ा में चीज़ तो होता ही है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। लेकिन चीज़ मैंने थोड़ा कम यूज़ किया है। और इस पे मैंने मेयोनीज़ और टोमेटो सॉस और सबसे मेन पिज़्ज़ा सॉस यूज़ किया है। बाकी जो इसमें जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब जैसे पिज़्ज़ा में डलता है बिल्कुल वैसा ही है। चाहे तो इसमें बेल पेपर यूज़ कर सकते हो, कलरफुल बेल पेपर यूज़ कर सकते हो, मशरूम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाला मशरूम बेल पेपर लिया है। और मशरूम तो मुझे पसंद नहीं है, मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, तो मशरूम को मैंने साइड में रख दिया है। तो ये हमारा जो स्टफिंग बन के रेडी हो चुका था और ये बहुत खाने में टेस्टी लगता है। आप चाहो तो सिंपली ब्रेड पिज़्ज़ा भी बना सकते हो, लेकिन कुछ डिफरेंट बनाना था तो मैंने तब बनाई इसे। और ये है, आप बारी आती है रस। तो इसे मैंने क्या किया है ना, तो मेरे पास ब्रेड क्रम्स था नहीं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ब्रेड क्रम्स के अलावा मैं क्या करूँ। तो मेरे पास रस पड़ा था तो मैंने इसे सिंपली मिक्सी में घुमाया और इसका मैंने चूरा बनाया। लेकिन आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं करना है, मेरे को दरदरा सा करना है, जैसा कि टेक्सचर होता है ब्रेड क्रम्स का बिल्कुल वैसा है। और इसे बहुत इजीली हो जाता है ये। और जब आप इसे यूज़ करते हो किसी चीज़ को क्रंच करने में, तो बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाता है ये। तो अब बारी आती है घोल बनाने की। और ये घोल कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा मैदा से बनता है। ये हमें थोड़ा सा इसका जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा नॉर्मल रखना पड़ता है, ना ज़्यादा इसे गाढ़ा बनाना है, ना ज़्यादा इसको वाटरी करना है। मतलब इतना आपको बनाना है कि आपके बॉल में ईजीली ब्रेड क्रम्स चिपक जाए। तो अब बारी आती है ब्रेड की। तो मैंने क्या किया है ना कि ब्रेड के जो साइड्स हैं उसे कट कर लिया है, क्योंकि ये फिर थोड़ा स्टिकी मतलब अच्छे से चिपकता नहीं है, तो फिर यहाँ से खुलने के मतलब चांसेस हो सकते हैं। और अगर खुल गया तो आपका जो भी पिज़्ज़ा ब्रेड बॉल था वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए फॉर द सेफ्टी साइड आप इसे कट कर लीजिए और ये बिल्कुल आपका वेस्ट नहीं जाएगा। इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा ब्रेड क्रम्स बन जाता है घर में, बहुत इजीली खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैंने चारों साइड्स इसके कट कर लिए थे और बहुत ही अच्छा मतलब। और इसको क्या करना है ना, बाद में एक पानी लेना है और पानी प्लीज़ आप साफ लेना और इसमें डिप करना है हल्का सा। और इसे डिप करने के बाद इसे सारा पानी इसका निचोड़ देना है, जल्दी से ये प्रोसेस करना, नहीं तो जो ब्रेड होता है ना वो सारा मेल्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर आप वही फिलिंग को ऐड करेंगे, स्टफिंग करेंगे, और आप इतना स्टफ़ करना जितना कि ये रोल हो सके। और आप ओवरलोडेड नहीं करेंगे ज़्यादा के चक्कर में, जितना इसमें आता है आप उतना डालेंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा ना कि आपका बॉल पे टूट जाएगा, फिर अंदर का सारा बाहर निकल जाएगा और आपका तेल भी ख़राब होगा और आपका जो ये रेसिपी है वो भी ख़राब होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे पूरा अच्छे से बॉल बना दिया, अच्छे से पैक कर दिया है। फिर आपने जो घोल बनाया था उसमें डिप करना है और थोड़ा देर तक उसे डिप करने के बाद आपको उसे ब्रेड क्रम्स में कोट करना है अच्छे से। उसे कोटिंग करके आप उसे साइड में रख देंगे। फिर ऐसे ही मैंने एक और बनाया, आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। अच्छे से इसको मैंने बॉल का इसका शेप दे दिया है और ज़्यादा ओवरलोड करके आपको भरना नहीं है, स्टफिंग नहीं करनी है, और आपको उतना स्टफ करना है जितना कि ये इसके अंदर आ जाए। फिर डिप करना है आपको कॉर्न स्टार्च के घोल में, उसके बाद आपको इसमें कोटिंग करना है ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स को आप अच्छे से लगाएंगे। और लगाने के बाद फिर आप इसे फ्राई करेंगे थोड़ी देर, मतलब 10-15 मिनट रखने के बाद, रेस्ट के बाद। और यहाँ पर मैंने बना लिया था, तो यहाँ पर मेरा सिर्फ चार ही बना, क्योंकि मतलब इतना खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के लिए ये बनाया जाए, तो इसलिए मैंने बनाया। और मेरा भाई भी घर में नहीं था क्योंकि वो खा लेता है, और मैं और मेरी मम्मी थोड़ा कम ही खाते हैं ये चीज़ें, तो इसलिए मैंने कम ही बनाया। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि जब मैंने बॉल को डाला तो जो
ऑयल का टेम्परेचर था वो थोड़ा लो था, अगर आप उसे हाई कर देंगे तो ये बाहर से सारा जल जाएगा और अंदर से बिल्कुल पकेगा नहीं, और जो चीज़ हमने डाला था वो भी मेल्ट नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको इसे हल्के आँच में बनाना है, अच्छे से पकाना है। तो 10-15 मिनट के बाद ये बन के बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो पिज़्ज़ा ब्रेड रोल था वो बन के रेडी, सॉरी पिज़्ज़ा ब्रेड बॉल जो था वो बन के रेडी हो चुका था। तो ये सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है, और आप देख सकते हो कितना टेस्टी, कितना टेम्पटिंग लग रहा है। मतलब आप इसे पार्टी प्लेटर भी बोल सकते हो, जब आपके घर में पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी हो, आप उसमें ये रख सकते हो। ये बहुत ही ईजी है बनाने में और ये खाने में बहुत ईजी है। मतलब इसे कोई, आपका हाथ गंदा नहीं होगा, आपके प्लेट गंदे नहीं होंगे, मतलब एक उठाया खाया आराम से, क्योंकि पार्टी प्लेटर जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। तो आप एक बार ज़रूर इसे बनाना अपने बच्चों के पार्टी में, अपने पार्टी में, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।